अल्लाह ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं, मेरा सब कुछ उन्हीं का तो है। नहीं वलीद, आप मेरा मतलब है कि फातिमा, सिर्फ फातिमा ही हकदार है आपकी विरासत की। अगर आप फातिमा का हक राहिर और दानियाल में तकसीम करेंगे तो ये फातिमा की हक तल्फी होगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? खुदा ना खास्ता कि मेरी जिंदगी में फातिमा मुझे ना मिलती और मैं ऐसे ही इस दुनिया से चला जाता तो मेरा सब कुछ दानियाल और राहिल का ही था ना। फिर भी हक सिर्फ फातिमा का था कानूनन। एक और कानून भी है, जो कुछ मेरा है जिसको मर्जी जितना मर्जी दो। लेकिन अपनी वारिस की मर्जी से। प्लीज हो मेरा, आइंदा ऐसा कभी ना सोचिएगा। वो हशमत भाई ने मेरे लिए कोई बैग भेजा था खास तौर पर मेरे लिए। लाती हूँ। हाँ ये मैं कहाँ से खुलेगा? मेरी फातिमा, मेरी फातिमा, मेरी छोटी सी फातिमा, इतनी ही थी मेरी गोद में, बिल्कुल इतनी सी थी जब मैंने हशमत और तमीना के हवाले की था। और ये उसके सामान में ये भी भेजा था, मेरी फातिमा, I love you. You love me. We are like a family. अरे बू, ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। मुझे तो ये किसी बेबी गर्ल की चीजें लग रही थी। हाँ, वो तुम्हारी दादी ने कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी, वो देख रहे थे। तुम्हें कोई काम था? हाँ, वो मैंने पूछना था। अबू, आप ऑफिस चलेंगे? नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं और तुम्हारी अम्मी हम तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, तुम जाओ। संभाले खुद को। बोले संभाला तो आपने हमेशा मुझे, संभाला तो आपने।